किस बिग बॉस कंटेस्टेंट ने राहुल और अली गोनी की दोस्ती को बताया है मौके पर चौका और फेक? आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी अपडेट? सारी डिटेल्स मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हेलो गाइज, मैं पूजा और आप देख रहे हैं फिल्म इंडो। तो यहाँ पर मैं केशवर मर्चेंट की बात कर रही हूँ, जिसको बिग बॉस सीज़न 9 में हमने देखा है। बहुत ही ज़्यादा बेवाक कंटेस्टेंट है और बेबाकी से अपना ओपिनियन देती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, ना डरती थी, सबको डरा के रखती थी, लेकिन गेम बड़े ही प्यार से वो खेलती थी। इसी सब के बीच अब उन्होंने वूट को एक इंटरव्यू दिया है, जो कि कलर्स का ही है, और यहाँ पर बिग बज में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। जो जो उनसे सवाल पूछे गए हैं बेबाकी से उन्होंने आंसर दिया है। सबसे पहले पलटू सदस्य को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने अर्शी खान को कहा है, साथ ही जैस्मिन भसीन की भी क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि बच्ची की तरह हरकत करती है, मैच्योर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अली के रिलेशनशिप की बात की जाए तो अली के रिलेशनशिप पर बोली है कि पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन इन दोनों बाहर रिलेशनशिप में है, यहाँ फ्रेंड्स बताते हैं, और फ्यूचर में मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ भी रहेगा। तो इस तरीके से बात उन्होंने किया है। और साथ ही अगर राहुल और अली की दोस्ती पर बात की जाए तो जब उनसे पूछा गया इनकी फ्रेंडशिप को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी फ्रेंडशिप मुझे फ्रेंडशिप नहीं लगती है, मौके पर चौका वाला इनका फ्रेंडशिप है, कि जिधर पलड़ा भारी उधर ही हम गए। और अली को भी पता है और कहीं ना कहीं राहुल को भी इस चीज़ के बारे में पता है कि लोग कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती को बाहर पहले पसंद करते थे, तो अब इनको पता है कि हम दोनों अगर दोस्त बना के रहेंगे तो ऑडियंस डेफिनेटली हमें पसंद करेंगे। तो इस तरीके से उनका पूरा रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है मौके पर चौका जैसा इनकी दोस्ती दिखाई देती है वह वास्तविक तौर पर नहीं दिखाई देती है, रियल में उनकी दोस्ती हमें दिखती नहीं है। और साथ ही उन्होंने राहुल को लेकर कहा है राहुल को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए राहुल वैद्य। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी बात कही है। वेल, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।